मेरे को 2 या 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है एंड शायद 7 दिन के अंदर मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो कैसे हो लौंडो? तो हाँ गाइस, 2 या 3 स्ट्राइक पड़ने के बाद भी मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब की ओनर की लड़की के साथ मेरे चक्कर है, जिस वजह से मेरे को स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से कि तुमको 2 या 3 स्ट्राइक पड़ने के बाद भी तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो। इसमें हंसने वाली कौन सा बात है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड स्ट्राइक खाने के बाद भी? ये कर सकता तो मैं नहीं कर सकता? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जीएस के भाई बार बार ये फ्री फायर की बंडल क्यों दिखा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ये फ्री फायर की कोई बंडल नहीं है, ये एक यूट्यूब चैनल की लोगो है। आप बोलोगे ये फ्री फायर की बंडल है, मैं बोलूंगा लोगो है। आप बोलोगे नहीं जीएस के भाई ये फ्री फायर की बंडल है, मैं बोलूंगा नहीं ये इंडिया का सबसे मशहूर न्यूज चैनल की लोगो है। ऐसे ही होता है जब एक गिल से दूसरी गिल में कूदते कूदते तुम यूट्यूबर बन जाते हो अचानक से, तो पता नहीं रहता कि लोगो कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं। ऐसी भी इन सब की जरूरत क्या है? इतना सुंदर मुंह है किसी भी बड़े यूट्यूबर की, चाट लो और यूट्यूबर बन जाओ। और आजकल फ्री फायर कम्युनिटी में यही चल रहा है, ये कोई इसका चाट रहा है, कोई उसका चाट रहा है, ऐसे यूट्यूबर बन रहे हैं, मतलब खुद की कोई मेहनत ही नहीं है। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, मतलब अरे मेरे को प्रमोट कर दो, 10,000 सुपर चैट देके मेरे को सपोर्ट कर दो, मतलब यही चल रहा है। लोगों ने भी देख देख के सीख गया कि भाई खुद से मेहनत करके ग्रो तो होने नहीं वाला है, इसको सुपर चैट मारता हूं, उसको मारता हूं और देखता हूं कोई सपोर्ट करता है तो सही है, वरना यार ऐसे भी कहां करियर बनने वाला है। और ये बात ना कहीं ना कहीं सूट भी करता है आज की फ्री फायर कम्युनिटी में। यार आजकल ना कोई मेहनत करके ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, कोई भी गाइस बड़े यूट्यूबर की टांग पकड़ रहा, प्यार पकड़ रहा, सुपर चैट दे रहा है कि मेरे को सपोर्ट कर दो, और अगर वो बड़ा यूट्यूबर उसको सपोर्ट कर देता है भाई और कौन देखे उसको। आप सबको अगर पता नहीं होगा तो कुछ दिन पहले मैंने इसको एक बार रोस्ट किया था, बट इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि गाइस मेरे पास उतने व्यूज नहीं थे, मेरे को 1.5 लाख ही व्यूज आते हैं आजकल, क्योंकि यार पहले की तरह मैं एक्टिव भी नहीं हूँ, वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाता, कभी कभी वीडियोस अपलोड कर पाता। और इसके पीछे भी एक रीजन है जो गिरिना खुद है, गिरिना चाहता ही नहीं है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं, क्योंकि हर रोज मेरे को कॉपीराइट आते रहते हैं, मेरे को ये आते रहता है, वो आता रहता है, और मैं कभी भी ठीक ठाक वीडियो बना ही नहीं पाता। और इसी रीजन की वजह से गाइस हम लोगों की व्यूज डाउन होता है, और इसकी एग्जाम्पल मैं आगे जाके दूंगा आपको। तो कुछ दिन पहले इसने एक वीडियो अपलोड किया एक्सपोज नाम से, तो बेसिकली इसको सब एक्सपोज कर रहे हैं और भी एक्सपोज आएंगे, तो इसने रिप्लाई किया हॉप स्काईलॉर्ड को, क्योंकि स्काईलॉर्ड भी इसको एक्सपोज कर दिया था। तो बेसिकली इसने स्काईलॉर्ड को शेयर, मतलब मैंने ना वीडियो देखा ना, मेरे को लगा कुत्ता कब से शेयर बनने लगा रिप्लाई वीडियो देख के मेरे को। फिर मैंने देखा कि हॉप थोड़ा झोल झाल था, मतलब स्काई का भी झोल झाल था, इसका भी थोड़ा झोल झाल था, बट बाद में स्काई ने फिर से एक वीडियो बना दिया। बट क्या आप लोगों को पता है इसने माफी भी मांगा, बट जैसे शेर बन के इसने वीडियो का रिप्लाई किया था, बट माफी मांगने के टाइम में ये कुत्ता बन के माफी मांगा। कैसे पता है आपको? जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को मैं शिकायत है कि मैं कभी कभी सारे न्यूज को कवर क्यों नहीं कर पाता हूँ। सो अब से मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट होगी, वो चाहे बड़े यूट्यूबर की हो या फिर छोटे यूट्यूबर की, मैं उसे जरूर कवर करूंगा। यहीं तक नहीं, मैं आपसे इस वो टूर्नामेंट वाले न्यूज में भी ध्यान दूंगा। इसको बोलते लातों को भूत, कभी बातों से नहीं मानते। तो आप सबको पता ही होगा कुछ दिन पहले गाइस इसने एक वीडियो अपलोड की थी जो एक्सपोज वाला, उसमें ये बोल रहा था नहीं भाई मैं तो बड़ी न्यूज का ही कवर करूंगा, मां चिड़वा हुए वो, और भी नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा नहीं सर मैं ये करूंगा, और किसी ने तेरे को शिकायत नहीं किया, तेरा रोस्ट हुआ है, तेरी इज्जत लूट गई समझ ले, और तेरे को किसी ने बोला भी नहीं तो छोटी न्यूज की कवर कर, तू वही कर, तू तू जाके पूरा मतलब तेरी चैनल ही भेज दे भाई, तू टोटल गेमिंग के पास चैनल भेज दे भाई, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में टोटल गेमिंग की वीडियो कवर कर, तू और भी आगे जाएगा। और बनना है, तू तो देसी गेमर के साथ सोता ही है, चूज भी देता होगा उसके साथ, तू भाई उसी के कर भाई, देसी गेमर और टोटल गेमिंग के साथ ससुराल बना ले भाई, शादी ब्याह कर ले उनके साथ भाई, तू भाई क्यों छोटी कवर करने जाएगा भाई, तू देसी गेमर की फोटो चिपका और उसको बाप बना के बैठा है भाई, तेरे को किसी ने नहीं बोला कि तू छोटी न्यूज कवर कर। ये 1 साल मैंने इसमें दिया है, मैं पढ़ाई पढ़ाई सब छोड़ा, मम्मी पापा से डांट खाया, कितनों से डांट खाया आप लोग जानते नहीं। हाँ सही बात है, हमको भी कैसे पता रहेगा, थोड़ी तेरी घर की साइड में अपना घर है। तो मैं आपको बता दूंगा, इस एक नंबर का निकम्मा है, इसकी घर की साइड में रहने वाला बंदा मेरे को बोला डिस्कॉर्ड में आके गाइस कि एक नंबर का निकम्मा है, कुछ नहीं आता इसको, ना थंबनेल बनाना आता है, ना वीडियो बनाना आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ गाइस गेम प्ले भी इसको नहीं आता था। ये इसकी करियर का शुरुआत मैंने पहले भी एक बार बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, ये दूसरे की गिल्ड में घूमता रहता था, नूब था। फिर इसके एक्चुअली क्या है ना, पैसे वाले भाई, मतलब हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, आपको बता दूं 3 GB की रैम की फोन से खेलना शुरू किया था, किसी के सपोर्ट के बिना हजारों जगह से कॉपीराइट आने के बाद इस जगह में पहुंचा हूं। और इन लोगों का देखो, बाप की पैसे, फोन भाई, अच्छी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, ये सब छोड़ के बंदे लोग क्या करते भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की गिल्ड में पैर चाटते, पैसे देते कि इसकी गिल्ड में घुस दो, फिर घुसने के बाद क्या करते, उसके साथ दोस्ती करते, दोस्ती के करने के बाद उसकी इमोशन के साथ खेलते। आपको बता दूं ये ज्ञान सुजन की गिल्ड में था, उससे पहले और एक गिल्ड में था, मैं बताना नहीं चाहता। ये ज्ञान सुजन की गिल्ड में जैसे तैसे घुसा, फिर ज्ञान सुजन के साथ दोस्ती बनाया, ऐसे आप लोगों को पता है ज्ञान सुजन को कोई भी यार
मतलब वो कर देता है, समझ सकते हो ना, गैन सीजन कितने यूट्यूबर को बनाया है, मतलब समझ सकते हो, गैन सीजन बहुत आसानी से गल जाता है, तो उसको ऐसे ऐसे फुसला फुसला के ऐसे ऐसे करके उसने चैनल बनाया, उसी से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिया, उसी से अपनी चैनल को गोरी किया, उसी के सब्सक्राइबर इसके पास गए, मतलब समझ सकते हो, 10 मिलियन वाले एक यूट्यूबर ने सोच लो इसको 1 मिलियन उधार में दे दिया, उसके बाद ऐसे सोच सकते हो कि उससे ही इसको सब्सक्राइबर मिला, उसी के साथ इसने टॉपिक ढूंढा, उसने ही सब कुछ करके दिया, बाद में जब उसने बोला कि भाई तेरा चैनल का नाम चेंज कर ले, भाई तूने यूट्यूब में पैसे कमाने आया भाई, तू सोच अगर गैन नहीं होता तेरा ऑडियंस, जिस तू जो बोल रहा है ना कि मैं ऑडियंस के सुनता हूँ, ऑडियंस ने नाम चेंज करने मना किया इसलिए मैं चैनल का नाम चेंज नहीं करूंगा, तो भाई जो ऑडियंस तूने गेन किया ना ये भी गैन के लिए गेन किया है, मतलब तेरे बाप अगर तेरे को पैदा किया है, तेरा बाप अगर बोले ये काम मत कर तो उसको मत ही करना चाहिए, क्योंकि तेरे को जो जिन लोगों की बात सुन रहा है ना वो भी तेरे को, तेरी तू अगर पैदा नहीं होता तो वो भी नहीं होते, तो ऐसे ही समझ कि अगर गैन सुजन नहीं होता तो तेरी चैनल भी नहीं होती, तो अगर गैन कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए, तो इसके बाद ही गाइस धीरे धीरे यूट्यूबर लोग देखना आजकल कोई भी यूट्यूबर को प्रमोट नहीं करता, दैट्स व्हाई कि यार लोग जब ऐसे सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं ना और उनकी न्यू ऑडियंस उनको भूल जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, आज की वीडियो देखने के बाद शायद 2000 बंदे देखे उसकी वीडियो पे डिसलाइक मारेंगे, बट कल जाके नहीं मारेंगे, क्योंकि लोगों को यार एक दिन के बाद वो बात पुराना हो जाता है, तो ऐसा ही सीन होता है, ये लोग प्रमोशन लेते हैं, अपनी चैनल ग्रो करते हैं, फिर उसके साथ लफड़ा करके चैनल जैसे ग्रो हो जाते हैं निकल जाते हैं, फिर पैसे से अपना शुरू कर देते हैं, फिर ये स्काईलॉर्ड के पास जाता है कि भाई ये देखो ये सीन है, फिर उससे थोड़ा प्रमोशन, फिर भाई टीएसजी की गिल्ड में घुसता है, फिर टीएसजी की ऑडियंस थोड़ा गेन कर लेता है, फिर टीएसजी के साथ लफड़ा हो जाता है, फिर भाई मैं जाता हूँ भाई देसी गेमर भाई साहब के पास, उसके साथ थोड़ा दोस्ती कर लूँ, उसका थोड़ा सब्सक्राइबर गेन कर लूँ, मतलब खुद की कुछ टैलेंट ही नहीं है, इसका उसका चाटते रहो और सब्सक्राइबर गेन करते रहो गाइस, और इसकी कोई ये न्यूज चैनल भी नहीं आता, इसको तो लोगो बनाने भी नहीं आता, इसने फ्री फायर कैरेक्टर या वो बंडल को ही अपना फोटो चिपका लिया, क्योंकि इसको कुछ आता ही नहीं है गाइस, और वीडियो मेहनत जो बोल रहा है ना हर यूट्यूबर यहाँ पे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं मेरे को, सब कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, वो लोग एक साल क्या 2 साल सैक्रीफाइस कर देंगे कोई सपोर्ट करना वाले, तो उनको तेरे को तो सपोर्ट मिल रहा था, क्या सैक्रीफाइस किया, और न्यूज चैनल पे भाई न्यूज भी कोई सैक्रीफाइस है, मतलब इसको उसको 2-4 बंदे को फॉलो करके रखो, वो लोग जो छोड़ते हैं उसको अपनी चैनल में चिपका दो, ये सैक्रीफाइस है, ये मेहनत है गाइस, समझ सकते हो, मतलब ये लोग कहाँ से आते हैं, मतलब कौन सी दारू पीते हैं लोग, यही नहीं अभी और सुनिए, झगड़ा या फिर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, भले ही लोग मेरे को कितना भी गाली दे, और ये सब करेगा भी कैसे तू, तू न्यूज चैनल खोला है भाई, कोई रोस्टिंग चैनल नहीं, तू न्यूज चैनल होके तू दूसरे के साथ दुश्मनी करेगा तो कैसे चलेगा, तो गाइस ये किसी को रोस्टिंग नहीं करता, बट ये खुद को रोस्टिंग करने के लिए लोगों को मजबूर करता है, कैसे पता है आपको बता दूं मैं, गाइस इसकी चैनल में जाके देखो एक भी गैन सुजन की वीडियो नहीं मिलेगी, इसकी चैनल में देखो एक भी स्काईलॉर्ड की वीडियो नहीं मिलेगी, इसकी चैनल में देखो मेरी एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, बट ये सब वीडियो इसके चैनल में पहले था बट अभी नहीं है, क्यों गाइस, जब भी गाइस ये किसी बड़े क्रिएटर की चाटना शुरू करता है बट उसकी जो हेटर होती है उनकी चैनल की वीडियोस को वो प्राइवेट कर देता है, मतलब अभी ये देसी गेमर का चाट रहा है तो इसने साइलॉर्ड और गैन का प्राइवेट कर लिया और मेरा प्राइवेट कर लिया, अभी फिर नया किसी को चाटेगा तो पुराने वाले का प्राइवेट कर लेगा, भाई तेरी चैनल में ना लोग मौके में है, कब तेरे को स्ट्राइक मारे, खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में तेरी चैनल, कोई भी देसी वैसी बचा नहीं पाएगा तेरे को, अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये श्रेय चौधरी को लोग हेट क्यों करते हैं, और जो अलग वाले पब्लिक मेरे को अभी भी देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी, फोटोशॉप कर रहा है सबको अलग गिव है, आपको जाना कोडाशॉप की इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करना है, 5 दोस्त को टैग करना है आपकी यूआईडी से, आपको शेयर करना है स्टोरी को और आपको मिल जाएगा एक फ्री वालों, तो जल्दी से जाओ और कोडाशॉप को फॉलो करो इंस्टाग्राम, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पहले से नागिन निकाली।